हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन या। दोस्तों, जैसा आपने हेडिंग में यहां पे देख लिया है कि क्वाड फेलोशिप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात ये आती है कि क्या आप क्वाड के बारे में जानते हो। क्वाड में उसी क्वाड की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर यूएसए जैसे देश इंक्लूड हैं। यूएसए, फिर उसके बाद में भारत, फिर उसके बाद में जापान और फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, यानी चार देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो टारगेट है, मेन जो लक्ष्य है, वो चाइना को काउंटर करना है। मतलब क्या है कि चाइना जिस प्रकार से अपने पैर पसार रहा है ना, उसको रिस्ट्रिक्टेड करना है, क्योंकि चाइना कुछ इस प्रकार की पॉलिसी लेके आ रहा है जैसे वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। सबसे पहली बात, वो भारत की जमीन को हड़पना चाहता है। दूसरी बात, वो साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। कंप्लीट कब्जे की बात कर रहा हूं, और सारे जितने भी ओशियन के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे हार्नेस करना चाहता है, निकालना चाहता है। इसी के साथ में कई जो छोटे छोटे देश हैं उनके ऊपर दावा ठोकता है, जैसे ताइवान के ऊपर कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। इसी के साथ में कई और भी प्रॉब्लम है, जैसे हांगकांग की प्रॉब्लम है, और कई देश जैसे जापान जैसे कंट्री हैं उनको भी रिस्ट्रिक्टेड करना चाहता है। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए, चाइना को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, चाइना ज़्यादा अपने पैर ना पसारे, उसको रोकने के लिए क्वेड बनाया गया है, जिसके अंदर तीन डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, और भारत जैसा देश, डेवलपिंग कंट्री भी इसके अंदर शामिल किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ में आता है, अमेरिकन गवर्नमेंट हो चाहे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हो, कि भारत के बगैर चाइना को रोकना असंभव है। तो इस क्वाड फेलोशिप के बारे में आज बात करेंगे। और ये क्वाड फेलोशिप क्या फेलोशिप है, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्वाड फेलोशिप एक स्टडी फेलोशिप है, यानी कि इस प्रकार की स्कॉलरशिप है जहाँ आप अमेरिका में जाके, यूएसए में जाके पढ़ाई कर सकते हो। इसके दो बेनिफिट बड़े मेन हैं कि पहला बेनिफिट ये है कि इसके अंदर एक मुफ्त आपको पैसा मिलता है। मतलब क्या कि $50,000 यदि आप क्वाड फेलोशिप के तहत जाते हैं तो आपको $50,000 एक बार में मिल जाएंगे। यदि आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं या फिर आपका जो रिसर्च एरिया है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ₹25,000 आपको एडिशनल भी इसके अंदर दिए जाते हैं क्वाड फेलोशिप के अंदर। क्वाड फेलोशिप के अंदर जब बात चलती है तो निश्चित तौर से ये बात चलेगी कि कौन कौन से देश इसके अंदर शामिल होते हैं, कौन कौन से देशों के नागरिक जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो दोस्तों, निश्चित तौर से आप ये समझ लें कि चार जो कंट्री हैं, जैसे कि यूएसए है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये चारों कंट्री के सिटीजन ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं को ये पैसा मिलता है। और ये कई सारे कंपनी इकट्ठी होकर, शामिल होकर रिसर्च ओरिएंटेशन या फिर मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए पैसा दे रही है। और इसके अंदर सीधे के सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट शामिल हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, जापानीज गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है और यूएसए की गवर्नमेंट है, सीधे के सीधे इन्वॉल्व है गवर्नमेंट। परंतु यहाँ पर इस बात को भी आप समझ लें कि कई सारी कंपनियाँ मिलकर इस फेलोशिप को देंगी। और ये कितनी स्कॉलरशिप है इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और आपका स्पेसिफिक एरिया क्या होना चाहिए यदि आप इस स्कॉलरशिप को लेना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका पर्पज क्या है, जो पर्पज होता है ना फेलोशिप का, वो पर्पज क्या है इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है ताकि इसको बताने में आसानी हो। ये फेलोशिप एक डेवलपमेंट के लिए है, नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। और कौन सा नेटवर्क, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट कमिटेड हो नए नए इनोवेशन के लिए, कलाबरेशन के लिए प्राइवेट और पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर। इसी के साथ में एकेडमिक सेक्टर भी शामिल किया गया है। और इसके अंदर खुद का देश या फिर ये टॉप के 4 कंट्रीज हैं, इन देशों के लोग इसके अंदर शामिल हों। पहली बात तो इसके अंदर आप ये समझ लें कि इस प्रकार की जो स्कॉलरशिप है, पहली बार ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। और इस प्रोग्राम के तहत 100 कैंडिडेट, चारों दस से सही 100 कैंडिडेट, एक्सेप्शनल कैंडिडेट इसके अंदर से सर्च किए जाएंगे, यानी कि ढूंढे जाएंगे। अब आप ये कहेंगे 100 स्कॉलरशिप तो बहुत ही कम है इतने बड़े देश के अंदर, यहाँ पे 1.5 अरब के आसपास जनसंख्या इंडिया के अंदर, 100 स्कॉलरशिप में क्या होगा, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। परंतु ये देखिए कि दोस्तों, है तो
मतलब यदि आपके अंदर कोई एक्सेप्शनल क्वालिटी है, कोई ऐसा गुण है जो दूसरों से आपको अलग करता है, तो इस स्कॉलरशिप में आप भागीदार बन सकते हैं और निश्चित तौर से आप स्कॉलरशिप को पा सकते हैं। और 50,000 प्लस 25,000 जैसे मैं आपको बता रहा था, डॉलर की बात मैं कर रहा हूँ, इतने डॉलर यहाँ पे मिलते भी हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जैसे अमेरिकन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन या इंडियन और कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई कैंडिडेट मास्टर डिग्री कर रहा हो या फिर पीएचडी कर रहा हो या पीएचडी करना चाहता हो, जैसे यूएस के अंदर मास्टर डिग्री करना चाहता हो या फिर पीएचडी डिग्री यूएस के अंदर जाके करना चाहता हो, तो उसे डॉलर मिलेंगे एक मुश्त 50,000 और यदि जो रिक्वायरमेंट पड़ती है तो 25,000 एडिशनल। अब इसके अंदर ये जो आपको पैसा मिलेगा कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात बुक्स पे भी आप इसको खर्च कर सकते हैं, फीस के लिए आप इसको खर्च कर सकते हैं और इसी के साथ में ट्रैवल के लिए भी आप इसको खर्च कर सकते हैं, रिसर्च के लिए, ट्यूशन के लिए, तो निश्चित तौर से हम इनको कर ही पाएंगे। अब इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर योग्य हैं, कौन एलिजिबल इसके अंदर है। सबसे पहली बात, आपकी उम्र 18 साल और 18 साल से ज़्यादा हो। दूसरी बात यह है कि आप उन्हीं देश के परमानेंट कैंडिडेट हों जो देश क्वाड के अंदर शामिल है, और क्वाड के अंदर शामिल हैं जैसे इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, अमेरिका इसके अंदर शामिल हैं। आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए अगस्त 2023 तक आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट यहाँ पे हो जानी चाहिए। परंतु कई मामलों में ऐसा है कि यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल कैंडिडेट हैं और आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ में एक आपका डेमोंस्ट्रेशन होगा जो आपके सुपीरियर एकेडमिक अचीवमेंट से रिलेटेड होगा, यानी कि आपके अचीवमेंट है ना सुपर डुपर हाई होने चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ कि आपका रिकॉर्ड है वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होने से, गुड नहीं बल्कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बेस्ट एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। इसके साथ में क्या है कि यदि कैंडिडेट मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम के अंदर शामिल है या इनरोल है, यदि एडमिशन लेना चाहता है एक अलग बात है, यदि पहले से ही उसका इनरोलमेंट है तो भी इस स्कॉलरशिप के तहत वो अप्लाई कर सकता है, यूएस जा सकता है और वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है और अपनी जो क्वालिटी है, अपना जो स्किल है, उसको उभार के और ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा बढ़िया इसके अंदर ला सकता है। बात करते हैं दोस्तों वेबसाइट की, यदि मैं वेबसाइट आपको बताना चाहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं स्क्रीन पे आपको डाल दूंगा तो डायरेक्ट उस लिंक पे आप जाएं। इसी के साथ में डिस्क्रिप्शन पे भी एक लिंक आपको मिलेगा और उस लिंक पे जाके डायरेक्ट आप क्वाड फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं बात आपको बता रहा था कि ये स्कॉलरशिप देगा कौन, क्या यूएस की गवर्नमेंट देगी? दोस्तों यूएस की गवर्नमेंट आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली तौर पे, परंतु ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, मतलब मैं आपको बता रहा था कई सारी कंपनियां मिलकर स्कॉलरशिप को देंगी, 3 या 4 कंपनियां स्कॉलरशिप को देंगी और जो फिलहाल एजुकेशनल इनिशिएटिव जिसके द्वारा लिया जाएगा वो है द एरिक एंड वेंडिस स्कीम टू फंड फॉर स्ट्रेटजिक इनोवेशन, इसके तहत ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, जो एक कोई आर्टिकल वगैरह 501(3) के तहत जिसमें प्राइवेट फाउंडेशन है उसके तहत ये आपको स्कॉलरशिप इसके अंदर मिलनी है। और इस स्कॉलरशिप के अंदर डायरेक्ट पार्टनरशिप है गवर्नमेंट की चारों देशों की, जैसे मैं आपको बता ही रहा था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान और यूएस गवर्नमेंट इसके अंदर डायरेक्टली शामिल है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई है डॉक्यूमेंट्स की, यदि मैं इनको एक साइड में रख भी दूं तो उसके बाद में बात आती है कि क्या हमें क्वेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखिए मैं तो हमेशा ये चाहता हूं कि एजुकेशन 100% स्कॉलरशिप बेस्ड हो, फेलोशिप बेस्ड हो, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बेसिक एजुकेशन एक अलग है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर बेसिक एजुकेशन का क्या है कि कोई भी कैंडिडेट एक सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज में पढ़ ले, लिख ले, समझ के साथ वो एजुकेटेड माना जाता है, यानी कि उसने 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, परंतु फिर भी 14 साल तक बेसिक एजुकेशन जैसे मानी जाती है, 8वीं क्लास तक अप्रोक्सीमेटली 14 साल का बच्चा आता है, तो उस क्लास तक कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट मतलब वहाँ तक उसको बेसिक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और उसके बाद में 100% स्कॉलरशिप बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हमारा
राइट है। और इसके अंदर आजकल बहुत बड़े बड़े खर्च हो रहे हैं यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, खासकर मेडिकल में आप जाना चाहते हैं तो कितना सारा पैसा आपको लगाना पड़ता है। इसके साथ में यदि आप IIT इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करें, कितनी भारी भरकम कोचिंग वगैरह इनकी बात छोड़ भी दी जाए तो उसके बाद में फीस बहुत ज़्यादा है। तो ये सब सारा मिला के ना काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ जाता है कैंडिडेट के ऊपर तो पड़ता ही है, निश्चित तौर से पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ यहाँ पर होता है। तो फेलोशिप यदि मिलती है तो एक एडिशनल होता है। और बहुत सारे हमारे देश के कैंडिडेट, बहुत सारे हमारे देश के नागरिक ऐसे हैं जो कि स्कॉलरशिप चाहते हैं और US के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं। और जब आप USA के अंदर जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आपको टूरिस्ट वीज़ा ही मुश्किल मिलता है, आप स्टडी वीज़ा भी मुश्किल होता है और बाकी चीज़ें तो आप समझ सकते हैं कि US के अंदर वीज़ा लगना कितना ज़्यादा मुश्किल है। और यदि आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्वाड फेलोशिप के तहत आप जा सकते हैं, स्पेशल इनोवेशन आप कर सकते हैं, उसके बाद में आप वहाँ पे निश्चित तौर से काम भी कर सकते हैं, रोज़गार कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें और भी डिपेंड करती हैं कि वहाँ पे जाने के बाद आपको पता है कि यदि आपकी जॉब लगती है तो सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि मोस्टली जो अमेरिका के अंदर CEO जो हैं अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, चाहे गवर्नमेंट की भी बात कर ली जाए तो वहाँ पे इंडियन बैठे हुए हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, क्वालिटी है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूँ, और वो वहाँ पे उनको प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे मिल जाती है। तो क्वाड फेलोशिप का बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो यदि आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, यदि आप मास्टर करना चाहते हैं या फिर आप PhD करना चाहते हैं, रिसर्च में आप जाना चाहते हैं, कोई इनोवेशन आप नया करना चाहते हैं, स्टार्टअप आप फ्यूचर में लेके आना चाहते हैं, तो ये क्वाड फेलोशिप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको तुरंत यहाँ पर अप्लाई करना है, देर नहीं करनी है। तो क्वाड फेलोशिप के बारे में दोस्तों ये था आज का एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलें, इसी के साथ में लाइक करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं कि किस प्रकार का वीडियो हमें बनाना चाहिए। मैं स्क्रीन में लास्ट में दिखा दूंगा कि हमारे कॉन्टैक्ट करने के कुछ अलग अलग, जैसे क्वेस्ट इंडिया पे आप भी फेसबुक पे भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर को मैं यहाँ पर मैंशन भी कर देता हूँ, यहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी है तो उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, यहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।